रहे हैं आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर, और सच्चाई क्या है मैं कुछ विकलांग से आइए जानते हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। एमडी ताहिर अंसारी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? घर गोरखपुर। गोरखपुर जी, ग्राम गोरखपुर। यहाँ पे आज प्रखंड जो आए हुए हैं, क्या करने के लिए आए हुए हैं? हम लोग यही लेने के लिए आए कि जो हमको सुविधा मिले विकलांग के लिए। अच्छा, तो सब हमको मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन हमको यही ट्राईसाइकिल पैसा की मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन जी आ रहा है, वो पेंशन भी हम लोगों को आधा अधूरा आ रहा है। 3 महीने में एक बार आता, 200 कभी 1200, यही हो रहा है हम लोगों के बाद। और रहने के लिए भी हम लोगों का घर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, घर भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश का मौसम, ये गर्मी का मौसम है, आज तक हम तो परेशान। इंदिरावास होना चाहिए। दूसरी बात है शौचालय। शौचालय भी 12,000 में हम विकलांग आदमी कैसे बना पाएंगे? कुछ हमको अच्छा दे ताकि हम बना पाएँ और उसमें हमको सही। अच्छा, ये बात बताइए, आपका पंचायत कौन सा पड़ता है? डकैता पंचायत है। डकैता पंचायत जी। पंचायत का मुखिया का क्या नाम है? बाबूराम टुड्डू जी। आप उनको कभी सूचना दिए थे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, आप कभी इंफॉर्मेशन दिए थे उनको? जी, उसको बोला है, लेकिन बोलता है आएगा तभी। अब कब आएगा? जब शमशान घाट जाएंगे तब आएगा कि कब आएगा? तो यही हमको कहना है। आप कितना दिन पहले उनको बोले थे? बहुत बार बोले। लगभग कितना बार? यही 2 महीना हो रहा है लगभग। अच्छा। उसमें हम पानी सूखा मांगे, पानी सूखा भी बोला कि टाइम आएगा तब। अच्छा। दूसरी बात है कि जो कि हम नल की ज़रूरत है, पानी उठा नहीं पाएंगे, खींच नहीं पाएंगे, उसमें भी हमको बोला गया कि पानी का अभी तो समस्या है, कल सरकार देगा नहीं, यही प्रॉब्लम है। हमको ये सब होना जरूरी है हमारे मुल्क से। और कोई आपको दिक्कत? और दिक्कत नहीं है, इतना ही सहारा। इतना सही जी, मेरा साथी का। आपका क्या दिक्कत है बोलिए? मेरा दिक्कत ये, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद रईस अंसारी। मैं ललमटिया से आया हूं। मैं ललमटिया का रहने वाला हूं जी। और मेरा दिक्कत ये है कि मेरा लिस्ट में नाम आ चुका था जो कि इंदिरा आवास में था। अच्छा। और लिस्ट दिखा करके भी, और 1 साल बीतने जा रहा है, आज तक उसकी कुछ पता नहीं चली कि बनेगा नहीं बनेगा। जब पंचायत से सचिव को बोलते हैं तो बोलता है कि होगा होगा, लेकिन आज तक उसमें कोई सुनवाई नहीं। बहुत दुख की बात ये है कि हम लोग के ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं। पंचायत सचिव कौन है आपका? पंचायत सचिव मुजाहिद अंसारी। ये कौन सा पंचायत में आता है? मेरा बड़ा भड़ाई पंचायत में आता है। बड़ा भड़ाई का मुखिया कौन है? बड़ा भड़ाई का मुखिया का नाम है संजली। क्या नाम है? संजली। संजली का मुखिया का संजली संजला हंसदा। संजला हाँ जी। अच्छा, आप जो अभी बुआरी जोर आए हुए हैं, क्या समस्या को लेकर आए हुए? समस्या हम लोग को जो ट्राईसाइकिल और बैसाखी के सहारे हम लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो कुछ दिन पहले हम लोग आए थे, वीडियो साहब के द्वारा हम लोग को पता चला कि यहाँ कैंप लगने वाला है, जो कि ट्राईसाइकिल और बैसाखी के लिए जो विकलांग है उस लायक उसको दिया जाएगा। हम लोग को अभी पुर्जी पुर्जी दिया गया है, और कुछ दिन के बाद सामान आने के बाद हम लोग को सामान मिलेगा उसका। आप लोग जो घर से आए हुए हैं, क्या चीज़ से घर से? बहुत दिक्कत से आए हैं, जैसे जो टेम्पो होता है उसके सहारे आए हैं, कोई किसी के सहारे आए, कोई घिसटते हुए आया, बहुत परेशानी उठा के आए हैं, और ठंडी के दिन में आए हैं। अभी चलने के लिए आपको कुछ व्यवस्था है? व्यवस्था तो नहीं है, जो भी है ये बैसाखी है। और हम लोग जो बोरियो विधानसभा लोबिन हेम्ब्रम को भी एक बार उनके पास भी गए थे स्कूटी के लिए, हम लोग को जिंदगी इसी तरह घिसट घिसट के निकल रहा है। तो स्कूटी के लिए हम लोग आवेदन दे चुके हैं, वो भी आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, 4 आदमी को हम लोग दिए हैं वहाँ, जो लोबिन हेम्ब्रम माननीय विधायक हैं जी, तो उनको दिए हैं, वो आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे तुम लोगों को स्कूटी दिलाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले और एक विकलांग से बात करते हैं, अपना नाम बताइए। जोर से बोलिए। हुसैन अंसारी नाम हुआ सर। अच्छा, हुसैन अंसारी कहाँ से आए हुए हैं आप? खास। अच्छा, यहाँ जो प्रखंड आए हुए हैं ब्लॉक, क्या चीज़ के लिए आए हुए हैं? हमको चाहिए मेरा सुविधा के लिए। क्या? मेरा सुविधा के लिए कुछ भी चाहिए। सुविधा? हाँ सुविधा। अच्छा, आपका मुखिया कौन है? क्या नाम? अंजला टुड्डू। अंजला टुड्डू।
कान बोल रहे हैं। अच्छा आपका घर रखा हुआ नहीं? अच्छा अच्छा, वहाँ से जो आप अपना घर से आए, क्या चीज़ से घर? वहाँ से आए किसी दूसरा का साइकिल से आए, यहाँ टेम्पू से। अपना साइकिल नहीं है? साइकिल था लेकिन खराब हो गई। अच्छा खराब हो गया। अच्छा आपको विकलांग पेंशन मिलता है? हाँ पेंशन तो मिलता है लेकिन अभी तो 4 महीना से रुका हुआ। कितना पेंशन मिलता है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये महीना? और साइकिल उकिल चलने के लिए व्यवस्था कुछ नहीं है? सुविधा नहीं है ना? देखिए इस विकलांग की स्थिति को देखिए और जरा सा गौर से समझिए कि न इसके पास चलने के लिए कोई सुविधा है और न ही कोई इसके साथ में है। जरा सा सोचिए, और ना इसके पास कोई सुविधा नहीं है। झूठ नहीं बोल रहे हैं? झूठ आगे बोलेंगे सर। थैंक यू।